आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पीसी के बारे में जो कि सिर्फ 35,000 कॉस्ट करेगा पर आपको रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम में 30 FPS से ऊपर देगा, GTA 5 में ऑलमोस्ट 60 FPS डिलीवर करेगा, फोर्ज़ा होराइज़न 4 में 60 FPS से ऊपर डिलीवर करेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन में भी 60 से ऊपर FPS डिलीवर करेगा और वैलोरेंट में तो 300 से भी ऊपर FPS देगा। इससे पहले हम बेंचमार्क्स की बात करें, इस पीसी के पार्ट्स हम खोजेंगे amazon.in से क्योंकि दो रीजंस। पहला, मैं भाई MBA कर रहा हूं और अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं फिजिकली सारे पार्ट्स खरीद के आपको एक पीसी बिल्ड करके दिखाऊं, और दूसरा रीजन ये कि आप में से हर बंदे के पास एक ऑफलाइन पीसी मार्केट के पास एक्सेस हो सकता है ना हो, तो Amazon पे जो प्राइसिंग मिलेगी उसी पे आपको लेना पड़ेगा। कीप इन माइंड कि आप में से कोई अगर इस पीसी को ऑफलाइन बिल्ड करा सकता है तो भाई आपको हो सकता है ये और ज्यादा सस्ता पड़े। सबसे पहले यार मैंने Amazon पे खोजा एक अच्छा कैबिनेट, और यार मुझे जो कैबिनेट सही लगा, जो भाई काम भी चल जाएगा और भाई बजट में आ भी जाएगा फिट, वो था Zebronics का ZM कैबिनेट। ये एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है और हम लोगों के लिए परफेक्ट रहने वाला है। जब मैं CPU खोजने गया तो यार AMD की तरफ से भी कुछ तगड़े ऑफर्स थे, बट फाइनली आई डिसाइडेड ऑन द Intel Core i3-10105F। ये 10th जनरेशन i3 है जो कि LGA 1200 सॉकेट पे चलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मदरबोर्ड ढूंढना, और यार मदरबोर्ड इससे सस्ते भी अवेलेबल थे बट मुझे जो जमा वो था गीगाबाइट की तरफ से H410M। मैंने ये वाला मदरबोर्ड इसलिए चूज किया क्योंकि इससे जो सस्ते मदरबोर्ड्स थे उनके रिव्यूज भी कुछ खास नहीं थे, उसके साथ साथ उनमें M.2 का स्लॉट भी मिसिंग था, यानी कि M.2 SSD लगाना काफी डिफिकल्ट हो जाता। अब जब हम रैम पे आते हैं तो यार यहाँ पे हम 8GB के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी टैंक कर देगा। हम लगाएंगे XPG का A Data DDR4 16GB रैम स्टिक। सिंगल स्टिक है, आप में से जो लोग थोड़ा और बजट एक्सटेंड कर सकते हो डबल स्टिक जाना 8x2, यानी कि 2 8GB के स्टिक्स लगा लेना, वो बेटर परफॉर्म करते हैं डुअल चैनल में, बट सिंगल चैनल 16GB भी बहुत ज्यादा अलग नहीं परफॉर्म करेगा। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। उसके बाद भाई जब बात आती है पावर सप्लाई की, तो यार एंटी स्पोर्ट्स का 450 वॉट पावर सप्लाई यूज करेंगे हम। ये पावर सप्लाई हमारे सिस्टम के लिए काफी रहेगा और उसके साथ साथ हमारे बजट में भी बहुत सही तरीके से फिट हो जाएगा। कूलर मास्टर और ये सब के PSUs थोड़े बेटर ऑफ कोर्स परफॉर्म करते और मे भी ज्यादा रिलायबल भी होते, बट मैंने इसके रिव्यूज देखे, रिव्यूज इसके अच्छे हैं और एंटी स्पोर्ट्स भी आज के डेट में एक ओके से थोड़ा ऊपर अच्छा ब्रांड बन चुका है। अब यार हमारा सबसे मेन और सबसे महंगा पार्ट आता है, वो है ग्राफिक कार्ड। और यहाँ पे आप में से बहुत लोग ये गलती करने वाले हो कि यार आप लोग आंख बंद करके NVIDIA का GTX 1650 ले लोगे। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है वो GPU आज भी काफी बिकता है और दूसरा लैपटॉप्स में तो अभी भी वही आता है, तो सबको उस GPU के बारे में पता है। पर नहीं, ये एक गलत मूव होगा, मैं बताता हूँ क्यों। GTX 1650 का प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है और VRAM थोड़ा सा कम है, उसमें सिर्फ 4GB VRAM आएगा और अभी जो गेम्स आ रहे हैं ना, मेजॉरिटी गेम्स यार 4GB से तो ऊपर RAM यूज करते ही हैं, और जितना ज्यादा VRAM आप उनको दोगे वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। GTX 1650 से थोड़े ही कम में हमें मिल जाएगा AMD का RX 570 का 8GB VRAM वाला मॉडल। ऑफकोर्स मॉडर्न ग्राफिक कार्ड जो 8GB या 12GB वाले हैं उनकी मेमोरी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी उतनी नहीं होगी, बट यार 8GB VRAM ना 4GB VRAM से बेटर परफॉर्म करेगा और ये बेंचमार्क्स में भी दिखता है। अब यार हमारा ग्राफिक कार्ड भी डिसाइड हो चुका है, आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए यार मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है, क्रूशियल का P3 1TB NVMe M.2 SSD हम लगाएंगे जो कि हाई स्पीड होगा और लॉन्ग टर्म में जब हम अपग्रेड भी करेंगे ना तो भी भाई ये वाला SSD हम रिटेन कर पाएंगे। As of 10th July 2024 इस बिल्ड का टोटल कॉस्ट आ रहा है 34,914। अब यार आप में से जो लोग इसी बजट में भाई मॉनिटर भी इंक्लूड करना चाहते हो और कीबोर्ड माउस सब इंक्लूड करना चाहते हो, भाई नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा ट्रैश पीसी बनेगा जो आपको आज के डेट में ना किसी भी लेवल की गेमिंग नहीं करा पाएगा। आज से 20-30 साल पुराने गेम्स आपको खेलने हैं तो भाई आप फोन में इम्यूलेट करके आज भी PS3 के तो नहीं बट PS2 तक के गेम्स तो आराम से खेल सकते हो। अब यार आप में से जिन लोगों को इतना बजट भी नहीं एक्सटेंड करना, आप चाहते हो कि इससे भी कम में हो जाए, भाई आप दो तीन चीजें कर सकते हो। जिंदगी में बहुत दर्द है यार, बहुत दर्द है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार। लाइट चली गई है, मेरी गलती नहीं है, मेरे सारे लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, हॉस्टल में ऐसा ही होता है भाई। आगे की कहानी इतनी सी है कि भाई आप में से जिन लोगों को इस बिल्ड को और ज्यादा सस्ता करना है यार, आप लोग SSD के जगह हार्ड ड्राइव लगा लो, और जो मदरबोर्ड है आप इससे भी सस्ता MSI का ले सकते हो, बट कीप इन माइंड उसके रिव्यूज कुछ खास नहीं है और उसमें आपको M.2 का स्लॉट नहीं मिलेगा एज पर माई रिसर्च। अब यार बिल्ड हमारा हो चुका है कंप्लीट, आ जाओ देखते हैं कुछ बेंचमार्क्स।
to blast a few more holes in. Now get lost. What the hell are you still hanging around for? ये बेंचमार्क्स मेरे खुद के नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है कि मैं भाई नए नए पीसी बिल्ड्स करता रहूं बेंचमार्क करने के लिए, बट होपफुली फ्यूचर में चैनल जब चल जाएगा मेरे पास वो रिसोर्सेस होंगे। अभी के लिए ये बेंचमार्क्स किसी और के हैं, क्रेडिट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।